अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी तड़का। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी रेड सॉस पास्ता। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने लिया है 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक, 2 अदद शिमला मिर्च जिसे मैंने क्यूब्स में काट दिया था, 1 कप चिकन का कीमा बिल्कुल बारीक, 2 कप पास्ता। मैंने 2 कप पास्ता लिया था जिसे मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर दिया था, और 1 आलू, 1 गाजर और 1/2 कप मटर, इन सबको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर दिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें। एक पैन में मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें मैंने गार्लिक ऐड किया है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे जब तक कि कलर ना चेंज हो जाए। जो कीमा हमारा बिल्कुल पक चुका है, इसमें हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, या 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च ऐड किए हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने 1 कप बंद गोभी ली है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून जीरा और अजवाइन पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इसको हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी के वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे होममेड टोमेटो पेस्ट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, हमारा रेड सॉस पास्ता तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अल्लाह आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।